फिल्म की शुरुआत में हम थॉमस नाम के एक जियोलॉजिस्ट के परिवार को देखते हैं, जिसमें उसकी पत्नी जेनी एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, बेटा एंड्रयू जिसका रिलेशनशिप अपने पिता से कुछ ठीक नहीं है, और एक बेटी जूलिया है। साथ ही आज थॉमस का जॉब पर आखिरी दिन है, क्योंकि वो सभी एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट होने वाले हैं, जिसके बाद फिर थॉमस वहाँ से अपने ऑफिस आता है, जहाँ उसका बॉस डेविड, ऑफिस की सेकेंड इंचार्ज मार्गरेट, इसके अलावा जेकब और टीम, ये सभी मिलकर एक माउंटेन पर नजर रखे होते हैं, क्योंकि उस माउंटेन पर एक दरार आ गई थी जो सुनामी जैसे खतरे के आने का संकेत है। इसलिए उन लोगों ने उस माउंटेन से काफी सारे केबल और सेंसर्स को जोड़कर रखा है, ताकि जैसी कोई हरकत हो तुरंत टाउन के लोगों को इमरजेंसी अलार्म बजाकर सूचित कर सके। अब कुछ समय बाद जब थॉमस ऑफिस में अपना सामान पैक कर रहा होता है कि तभी उन सेंसर से आवाजें आने लगती है, क्योंकि उन सेंसर की रेटिंग थोड़ी बढ़ रही थी, जिस वजह से वहां के दो सेंसर से उनका कनेक्शन भी टूट जाता है। पर डेविड इस पर कहता है कि इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सेंसर में कोई खराबी आ गई होगी इसलिए कनेक्शन टूट गया होगा, क्योंकि अभी तक माउंटेन में कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही। लेकिन थॉमस को कुछ गड़बड़ी का आभास हो रहा था, पर डेविड उसे समझाकर घर भेज देता है। पर घर आने के बाद भी वो यही सोच रहा होता है कि कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं। वो इस बारे में जेनी को भी बताता है, लेकिन वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती। अब अगले दिन वो सभी अपना सारा सामान ट्रक में डालकर वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर जेनी अपनी जॉब की वजह से इस टाउन में कुछ और दिन रुकने का फैसला करती है, इसलिए थॉमस अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं जेनी जब अपने होटल में होती है, तभी उसकी मुलाकात फिलिप और मारिया नाम की एक कपल टूरिस्ट से होती है, और थोड़ी बातों के बाद उनमें दोस्ती भी हो जाती है। इधर रास्ते में थॉमस उस माउंटेन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो अचानक ही अपनी गाड़ी को घुमाकर तुरंत अपने ऑफिस के पास आता है, और अपने बच्चों को कार में ही रुकने का कहकर अंदर जाता है, जहां वो सभी को समझाता है कि शायद उस माउंटेन के ग्राउंड वाटर को कोई रास्ता मिल गया हो जहां से वो सारा पानी बाहर निकल रहा होगा। हो ना हो उसी के कारण हमारा दो सेंसर से कनेक्शन टूटा है, यानी कि हो सकता है कि उस माउंटेन में एक और दरार पड़ चुकी है, और अगर ऐसा हुआ तो वो माउंटेन बहुत जल्द पानी में गिर जाएगा, जिससे इतनी भयानक सुनामी आएगी जो हमारे पूरे टाउन को अपने चपेट में ले लेगी, और वहीं ये सब इतनी जल्दी होगा कि हमें संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा, जो सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। इसलिए अब थॉमस और जेकब तुरंत उस माउंटेन को चेक करने जाते हैं, जहां उन्हें सेंसर के वायर टूटे हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं। अब ऑफिस में आकर थॉमस सभी से कहता है कि हमें तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाना होगा, क्योंकि खतरा बहुत तेजी से इस टाउन की ओर बढ़ रहा है, जो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे टाउन को बर्बाद कर देगा। लेकिन डेविड कहता है कि अगर हमने अलार्म बजा दिया तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और ये साल का ऐसा समय है जब काफी सारे टूरिस्ट हमारे टाउन में विजिट करने आते हैं, इसलिए मैं अलार्म नहीं बजा सकता, हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। थॉमस उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए गुस्से में वहां से निकल जाता है। अब थॉमस अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन एंड्रयू और जूलिया उसे कार में कहीं नहीं दिखाई देते, क्योंकि काफी समय से अपने पिता का इंतजार करने के बाद वो अपनी माँ के होटल आ गए थे, इसलिए अब थॉमस भी वहीं जाता है। लेकिन जेनी उससे काफी ज्यादा नाराज होती है, जिस पर वो उससे और बच्चों से माफी भी मांगता है। साथ ही घर खाली होने के कारण वो होटल में ही रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन जूलिया आखिरी बार घर जाने की इज्जत करने लगती है, इसलिए थॉमस उसे घर ले आता है, जहां उसे समझ आता है कि वो अपने काम को लेकर इतना बिजी हो गया कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा, लेकिन अब वो अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करेगा। इधर जेनी को थॉमस की किताब से पता चलता है कि माउंटेन में दरार आ चुकी है, जो किसी भी समय धाराशायी होकर एक सुनामी का रूप ले लेगी और पूरे टाउन को बर्बाद कर देगी, जो जानकर वो भी परेशान हो जाती है। वहीं एंड्रयू को कमरे में नींद आ रही थी, इसलिए वो लाउड म्यूजिक लगाकर होटल के बेसमेंट में स्केटिंग करने लगता है। दूसरी तरफ माउंटेन के सेंसर्स की रेटिंग अचानक ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सभी एकदम घबरा जाते हैं। इसलिए अब डेविड और जेकब चेक करने फिर से माउंटेन में आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जो भी वो सेंसर दिखा रहा था वो बिल्कुल सही था। वहीं इधर थॉमस मार्गरेट को फोन करके उससे माउंटेन की अपडेट जानने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे सारी बात बता देती है, जो जानकर वो घबरा आ जाता है, और फिर अपनी पुरानी फाइल से और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वो माउंटेन किसी भी समय गिर सकता है। इसलिए वो फोन करके तुरंत डेविड और जेकब को वहां से निकलने को कहता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो माउंटेन अचानक ही कांपना शुरू कर देता है, जिससे उसके बड़े बड़े हिस्से नीचे गिरने लगते हैं।
तब डेविड को एहसास होता है कि उसने पूरे टाउन को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। साथ ही जेकब का हार्नेस भी उससे छूट गया था, इसलिए डेविड सबसे पहले मार्गरेट को अलार्म बजा देने को कहता है और जेकब को अपना हार्नेस देकर उसे ऊपर भेज देता है, पर वो खुद उस माउंटेन के हिस्से के साथ नीचे गिरकर मारा जाता है। अब उस माउंटेन के गिरने से काफी बड़ी और ऊंची वेव उसी टाउन की ओर बढ़ने लगती है, तो वहीं जेनी होटल के सभी स्टाफ को वहां से निकालने की कोशिश करती है। इधर थॉमस जूलिया को लिए जेनी के पास जाने लगता है, तब जेनी उसे कॉल करके कहती है कि तुम जूलिया को लेकर किसी ऊंची जगह पर जाओ, हम लोग भी एक बस के जरिए वहीं जा रहे हैं। थॉमस तो अकेला जाना नहीं चाहता था, लेकिन जेनी की जिद के कारण वहां जाने के लिए मान जाता है। पर अब अलार्म के कारण पूरे टाउन में पैनिक जैसा माहौल बन गया था, जिससे हर जगह ट्रैफिक जमा हो जाता है। वहीं जेनी सबको निकालने के बाद जब एंड्रू के पास आती है तो वो उसे कमरे में दिखाई नहीं देता, जो देख कर वो एकदम परेशान हो जाती है। इसलिए वो सभी को बस में बिठा कर खुद एंड्रू को ढूंढने फिर से होटल जाती है, जहाँ उसकी मदद करने मारियो और फिलिप भी जाते हैं। वहीं थॉमस पैदल ही जूलिया को लेकर आगे बढ़ने लगता है, जहां रास्ते में उसे उसके पड़ोसी केट और मार्टिन दिखाई देते हैं, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ कर लेता है। लेकिन केट का पैर दो गाड़ियों के बीच फंस जाता है, वहीं वो वे भी बहुत ही तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है। इसलिए अब थॉमस मार्टिन के साथ जूलिया को आगे भेज देता है और खुद केट को वहां से निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। लेकिन वो भी उनके काफी करीब पहुंच चुकी थी, इसलिए वो केट को एक गाड़ी में बिठा देता है और खुद भी उस गाड़ी में लॉक हो जाता है, जिसके बाद फिर वे आगे बढ़ते हुए उन्हें अपनी चपेट में ले लेती है। दूसरी तरफ जेनी एंड्रू को ढूंढ लेती है, लेकिन जब वो सभी बाहर आते वो बस वहां से जा चुकी थी। साथ ही सुनामी की वेव होटल के काफी करीब आ चुकी थी, इसलिए वो फिर से होटल के अंदर भागते हैं, जहां वो सभी एक बंकर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मारिया उस वेव की चपेट में आकर पानी में बहते हुए उससे दूर चली जाती है, पर इससे पहले कि बाकी भी उसकी चपेट में आते एंड्रू और जेनी बंकर का दरवाजा बंद कर देते। वहीं इधर भागे से थॉमस जीवित होता है, लेकिन केट ने अपना दम तोड़ दिया था। दूसरी तरफ आसपास उस वेव के गुजरने के कारण काफी ज्यादा तबाही आई होती है, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और फिर काफी ऊंची जगह पर उसे उसकी बेटी मिल जाती है। साथ ही यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि जो बस टूरिस्ट को लेकर निकलने वाली थी वो यहाँ पहुंची ही नहीं, जो जानकर वो एकदम घबरा जाता है। इसलिए तुरंत जूलिया को थॉमस के पास छोड़कर उस बस को ढूंढने निकल जाता है। वहीं इधर वेव के कारण पूरे टाउन की इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी। दूसरी तरफ जेनी भी उस बंकर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता क्योंकि बाहर पानी और उसके साथ आने वाले पत्थरों के कारण वो दरवाजा बंद हो गया था। जेनी अब एयर वेंट के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। साथ ही बंकर के दरवाजे से भी पानी अंदर आने लगता है, इसलिए जेनी सभी को समझाती है कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और अगर पानी यहाँ भरा तो शायद प्रेशर के कारण दरवाजा खुल जाए, इसलिए हमें पानी के भरने का इंतजार करना होगा। इसके बाद फिर हम थॉमस को देखते हैं जो किसी तरह उस बस तक पहुंच जाता है, जिसमें सभी मारे जा चुके थे। लेकिन उस बस में उसे जेनी और एंड्रू कहीं दिखाई नहीं देते, जो देखकर उसे थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन वो इस बात को लेकर परेशान भी होता है कि आखिर वो दोनों कहाँ गए। तब उसका ध्यान होटल की तरफ जाता है कि शायद वो लोग वहां से निकले ही ना हो, इसलिए वो होटल के लिए निकल जाता है। वहीं बंकर में काफी ज्यादा पानी भर गया था, जिससे उन्हें सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी और ना ही बंकर का दरवाजा खोल रहा था। साथ ही मारिया की मृत्यु से फिलिप एकदम पागल सा हो गया था, जो उसकी मृत्यु का जिम्मेदार एंड्रू और जेनी को मानते हुए उन्हें पानी में डुबोकर मारने की कोशिश भी करता है। तब मजबूरन जेनी उसे पानी में डुबोकर मार देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिलिप उन दोनों को मार देता। इधर थॉमस होटल में आकर चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगता है और उन्हें ढूंढते हुए बंकर के ठीक ऊपर भी आ जाता है, लेकिन जेनी और एंड्रू उसे कहीं दिखाई नहीं देते, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर गुस्से में एक रॉड उठाकर वहां मारने लगता है, जिसकी शोर जेनी सुन लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि थॉमस उन्हें बचाने आ गया है। इसलिए वो भी किसी चीज से आवाज करने की कोशिश करती है ताकि उसकी आवाज थॉमस सुन ले, और भाग्य से वो सुन भी लेता है। इसलिए वो तुरंत बंकर के पास जाता है, जहाँ काफी सारा पानी भरा था।
साथ ही दरवाजे के पास काफी बड़े बड़े पत्थर भी पड़े थे, इसलिए अब थॉमस एक एक करके सारे पत्थरों को हटाने लगता है। लेकिन तभी एयरवेंट के जरिए भी काफी सारा पानी बंकर के अंदर आने लगता है, पर भाग्य से समय रहते थॉमस दरवाजा खोल देता है, जहां उसे जेनी दिखाई देती है, जिसे सही सलामत देकर थॉमस खुश हो जाता है। वो अब तुरंत जेनी को बाहर भेजकर खुद एंड्रे को बचाने जाता है, जो काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए थॉमस उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश करता है और फिर एक गहरी सांस लेकर पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में एंड्रे की सांसें उखड़ने लगती है, पर थॉमस जैसे तैसे उसे ऊपर तो भेज देता है, पर काफी समय से पानी में रहने के कारण वो हिम्मत हार जाता है। वहीं इधर एंड्रयू तो पानी के बाहर आ जाता है, लेकिन थॉमस को ना देखकर जेनी तुरंत पानी में कूद जाती है और फिर थॉमस को लेकर पानी के बाहर आती है, जहां उस बेचारे की सांसें रुक चुकी थी। जेनी उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जो देखकर दोनों एकदम भावुक हो जाते है। लेकिन फिर आखिरी बार जब एंड्रयू उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, तो भाग्य से थॉमस को होश आ जाता है, जो देखकर दोनों के जान में जान आती है। आओ वहां से वो सभी जूलिया के पास आते हैं, जिन्हें देखकर जूलिया काफी खुश होती है। साथ ही ये लोग तो बच गए होते, लेकिन इस भयंकर दुर्घटना में काफी लोग मारे गए थे और कई लोगों ने तो अपने परिवार को भी खो दिया, जिसका अफसोस उन्हें हमेशा रहेगा। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।